बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज ऑफ द सिटीज कंडीशन वी आर अनएबल टू कंडक्ट रेगुलर क्लासेस, हम रेगुलर क्लासेस नहीं ले पा रहे। और इन रेगुलर क्लासेस को कंपनसेट करने के लिए हमने यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस का एक सिलसिला शुरू किया, जो कि डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो फर्स्ट ईयर, आज का हमारा टॉपिक है डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसको हमने थोड़ा सा थोरली डिस्कस किया था, थोड़ा सा एक लेआउट इसकी डिस्कस की थी, लेकिन आज हम इसको थोरली डिस्कस करेंगे कि बेसिकली डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते किस। So guys, हमारा आज का टॉपिक है डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नाम से साबित है, जॉन डेल्टन साहब ने 1801 में प्रपोज किया था, इंपॉर्टेंट था। कुछ लिमिटेशंस हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस, दिस नॉन रिएक्टिंग इज बेसिकली द लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ, इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वेरियस गैसेस इन द मिक्सचर। इसका मतलब अगर मैं एक कंटेनर में बहुत सारी नॉन रिएक्टिंग गैसेस को रखूंगा तो वो तमाम नॉन रिएक्टिंग गैसेस अपना अपना पार्शियल प्रेशर बिहेव अप्लाई कर रही होंगी। नॉन रिएक्टिंग का मतलब क्या है? अगर मैं यहां पर रिएक्टिंग गैसेस रख देता हूं, मैं हाइड्रोजन रख देता हूं, मैं ऑक्सीजन रख देता हूं, इन दैट सिनेरियो ये अपना अपना पार्शियल प्रेशर अप्लाई करने के बजाय आपस में ही रिएक्शन प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगी, एंड इट विल इफेक्ट ऑन द डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्योंकि हमारे पास फिर दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर नहीं आएगा बल्कि एक नए कंपाउंड का कंबाइंड प्रेशर आएगा, जो कि इसकी लिमिटेशन है, जिसकी वजह से हम डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को सिर्फ और सिर्फ नॉन रिएक्टिंग गैसेस के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। तो जनाब, कंडीशन क्या है? एक मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, उन तमाम गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स अप्लाई कर रहे हैं प्रेशर एक दूसरे के ऊपर, वॉल ऑफ द कंटेनर, और जो प्रेशर एक इंडिविजुअल गैस अप्लाई कर रही है, दैट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। व्हेन टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर इंट्रोड्यूस इन द सेम कंटेनर, ईच गैस एक्सर्ट इट्स ओन प्रेशर। आपने हीलियम गैस रखी, क्रिप्टॉन गैस रखी, गैस ए रखी, गैस बी रखी, दे बोथ अप्लाई प्रेशर ऑन ईच अदर एज वेल एज ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। होगा क्या? गैस ए गैस बी पर भी प्रेशर अप्लाई, जनाब गैस ए गैस बी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी, गैस बी गैस ए के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, फिर ये दोनों वॉल ऑफ द कंटेनर पर भी प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे। तो गैस ए जो प्रेशर अप्लाई कर रही होगी आइदर ऑन गैस बी और ऑल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। गैस बी जो प्रेशर अप्लाई कर रही होगी आइदर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर और गैस ए, ये कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। तो जनाब, पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर होता है। अब जरा डेरिवेशन को देखते हैं कि बेसिकली ये काम कर किस तरीके से रही होती है। सो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पार्शियल प्रेशर, लेट अस कंसिडर थ्री नॉन रिएक्टिंग गैसेज ए बी एन सी। हमारे पास तीन डिफरेंट कंटेनर्स हैं, उन तीनों डिफरेंट कंटेनर्स में तीन डिफरेंट गैसेज हैं। इन तीनों गैसेज का इस वक्त अपना एक स्पेसिफिक प्रेशर है, अपना एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है, अपना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, और अपने ही स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोल्स हैं। इसका मतलब इस वक्त ये तीनों अलग अलग कंडीशन में मौजूद हैं। अब मैं करता क्या हूँ कि इन तीनों को एक कंबाइंड कंटेनर के अंदर पोर कर देता हूँ। मेरे पास एक कंटेनर मौजूद है जिसमें मैं गैस ए गैस बी और गैस सी तीनों को पोर कर देता हूं। अब मेरे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ए अलग है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बी अलग है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस सी अलग है, लेकिन इन तीनों गैसेस का वॉल्यूम अब बराबर हो चुका है क्योंकि ये तीनों गैसेस एक ही कंटेनर के अंदर आ चुकी हैं। इन तीनों गैसेस का टेम्परेचर भी बराबर हो चुका है, इन दैट सिनेरियो इन तीनों के टेम्परेचर भी बराबर हो जाएंगे। डिफरेंट क्या चीज कर रही होगी? इनके नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब इस कंटेनर में इस वक्त जितनी भी प्रेशर मौजूद है, दैट इज पार्शियल टोटल प्रेशर, ये बराबर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी। जबकि इस तीसरे चौथे कंटेनर के अंदर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, दैट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस सी। जबकि वॉल्यूम तीनों गैसेस का, टेम्परेचर तीनों गैसेस का अब कॉन्स्टेंट हो चुका है क्योंकि तीनों एक ही सिचुएशन के ऊपर इस वक्त मौजूद है। रिजल्ट ऑफ द टोटल प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ collision per unit area in the given time।
अच्छा, जब ये तीनों गैसेस इंडिविजुअल कंटेनर्स के अंदर मौजूद थी तो इनका बिहेवियर भी इंडिपेंडेंट था, उस वक्त ये फॉलो कर रही थी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, क्योंकि उस वक्त तीनों के वॉल्यूम अलग थे, तीनों के टेम्परेचर अलग थे। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जनाब अब जब आपने तीनों गैसेस को एक ही कंटेनर के अंदर पोर कर दिया है तो अब तीनों के लिए वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब इस वक्त आपके पास जो कंटेनर मौजूद है उस कंटेनर में गैस ए मौजूद है, गैस बी मौजूद है, गैस सी मौजूद है, और गैस ए का प्रेशर बराबर हो जाएगा पी ए इक्वल्स टू एन ए आर टी अपॉन वी। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर आर टी अपॉन वी आर ए टी ए और वी ए की फॉर्म में क्यों नहीं लिखा हुआ? तो भाई आर तो कांस्टेंट है, वो पी ए के लिए भी कांस्टेंट है, बी के लिए भी कांस्टेंट है, सी के लिए भी कांस्टेंट है, क्योंकि आपने तीनों गैसेस को एक ही कंटेनर में रख दिया। अगर उस कंटेनर का टेम्परेचर 30 है तो वही टेम्परेचर गैस ए के लिए भी होगा, गैस बी के लिए भी होगा, गैस सी के लिए भी होगा। और अगर आपने उसी कंटेनर के वॉल्यूम की बात करनी है तो अगर उस कंटेनर का वॉल्यूम 10 है तो यही वॉल्यूम गैस ए का भी है, गैस बी का भी है और गैस सी का भी है। इसका मतलब पी ए बराबर हो जाएगा एन ए आर टी अपॉन वी के, पी बी बराबर हो जाएगा एन बी आर टी अपॉन वी के, और पी सी बराबर हो जाएगा एन सी आर टी अपॉन वी के। हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल प्रेशर बराबर होता है सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर के, सो वी कैन राइट कि जनाब पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। पी ए बराबर है एन ए आर टी अपॉन वी के, वी हैव मेंशन अर्लियर, पी बी बराबर है एन बी आर टी अपॉन वी के, पी सी बराबर है एन सी आर टी अपॉन वी के। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हमारे पास आर टी अपॉन वी कॉन्स्टेंट है, सो वी कैन टेक कॉमन, सो इक्वेशन वुड बिकम पी टी इक्वल्स टू आर टी अपॉन वी इन टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर के इस कंटेनर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स बराबर है किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस सी। सो वी कैन राइट द सम ऑफ ऑल द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दीज गैसेस एज एन टी। सो अब इक्वेशन क्या बन चुकी है कि जनाब टोटल प्रेशर बराबर हो जाएगा आर टी अपॉन वी इंटू एन टी के। अब हमारे पास टोटल प्रेशर का रिलेशन भी आ गया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी का रिलेशन भी आ गया। अब प्रॉब्लम यह है कि पेपर में सवाल कभी भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जनाब गैस ए का प्रेशर टोटल प्रेशर के मुकाबले में रेशो बताइए। तो जनाब उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा काम और बनाना पड़ेगा कि जनाब मैं पी ए और पी टी, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर ऑफ द इंटायर मिक्सचर, इन दोनों को कंपेयर कैसे करूंगा, इन दोनों को रेशो कैसे निकालूंगा। सो डिवाइडिंग पी ए बाय पी टी, हम पी ए की वैल्यू को पी टी से डिवाइड करवाएंगे। पी ए बराबर था एन ए आर टी अपॉन वी के, पी टी बराबर था एन टी आर टी अपॉन वी के। अकॉर्डिंग टू मैथ्स आर से आर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, वी से वी कैंसिल। नाउ द इक्वेशन वुड बिकम पी ए अपॉन पी टी इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन टी, एंड इट रिप्रेजेंट्स के जनाब हमारे पास टोटल प्रेशर, हमारे पास जो रेशो मौजूद है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए और टोटल प्रेशर का, वो बराबर होगा रेशो के किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है और टोटल नंबर ऑफ मोल्स के। इसी तरीके से अगर पी ए अपॉन पी टी बराबर है एन ए अपॉन टी के, तो पी बी अपॉन पी टी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स के, पी सी अपॉन पी टी बराबर हो जाएगा एन सी अपॉन एन टी के। सो जनाब पेपर में आज तक यहां तो पूछा गया है, लेकिन एक चीज और भी पूछी जा सकती है कि जनाब परसेंटेज निकाल लीजिए। तो परसेंटेज निकालने का तरीका आपको अच्छे से पता है, ऑल यू नीड जस्ट टू मल्टीप्लाई द वैल्यू बाय 100। अगर आप इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। आज तक ऐसा सवाल पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है, सो यू नीड टू बी केयरफुल। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ जनाब? हमारे पास अगर एक कंटेनर के अंदर दो गैसेस मौजूद हैं लाइक ए एंड बी, कंफाइंड सेपरेटली एट प्रेशर ऑफ 400 मिलीमीटर ऑफ एच जी एंड 500 मिलीमीटर ऑफ एच जी, द वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी इज द सेम। अब मैं क्या करता हूं, ए और बी जिसमें से ए का प्रेशर 400 मिलीमीटर ऑफ एच जी के बराबर था, बी का प्रेशर 500 मिलीमीटर ऑफ एच जी के बराबर था, मैं इन दोनों को एक स्पेसिफिक कंटेनर में पोर कर देता हूं। अब दोनों का वॉल्यूम तो सेम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ जनाब कि अब उस कंटेनर के अंदर जो टोटल प्रेशर मौजूद है दैट मस्ट बी द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, एंड दैट वाज 400 प्लस 500 दैट इज इक्वल्स टू 900 मिलीमीटर ऑफ एच जी।
अब जरा एप्लीकेशंस ऑफ डेल्टन लॉ की बात करते हैं। वैसे तो हम लोगों ने इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ ली, लेकिन एक चीज और है कि जनाब ये बिहेवियर या ये लॉ सिर्फ और सिर्फ ड्राई गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर मैं वेट गैस की बात करता हूं तो फिर मैं इसको किस तरीके से यूज करूंगा। अब वेट गैस होती क्या है, इसके लिए सबसे आसान एक्सपेरिमेंट है, आप लोग अपने मुंह पर हाथ रखिए और अपने मुंह के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जब आप लोग एक्सहेल करेंगे तो आप फील करेंगे कि हवा के साथ साथ आपके हाथों पे मॉइस्टनेस भी फील हुई है। इसका मतलब जो गैस आपने अपनी बॉडी से एक्सहेल गैस निकालेंगे वो गैस बेसिकली वेट गैस होगी, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ ड्राई गैस मौजूद नहीं है, उसके अंदर वाटर वेपर भी मौजूद है। तो डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मुझे ये भी बताता है। अच्छा, इससे पहले बताता चलूं कि ऐसा एक एक्सपेरिमेंट आप लोग 9 केमिस्ट्री में कर चुके हैं, जब आप लोग बी हाइव शेल के अंदर ऑक्सीजन कलेक्ट कर रहे थे, किस तरीके से, एक वाटर ट्रफ था, उसके ऊपर एक इन्वर्टेड जार मौजूद था। अब उस इन्वर्टेड जार के अंदर जो गैस आ रही थी बेसिकली वो ड्राई ऑक्सीजन गैस नहीं थी, बल्कि वो मॉइस्ट गैस थी, क्योंकि उसके अंदर वाटर वेपर का प्रेशर भी मौजूद था। सो जनाब मॉइस्ट गैस बराबर होगी किसके, मॉइस्ट गैस बराबर होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। और ड्राई गैस मालूम करने के लिए आपको वेट गैस के प्रेशर के अंदर से वाटर वेपर के प्रेशर को माइनस करना पड़ेगा। इस तरीके से आप किसी भी मॉइस्ट गैस के अंदर से ड्राई गैस का प्रेशर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लिमिटेशन क्या है इसकी, इसकी लिमिटेशन हम पहले ही बिहेव डिस्कस कर चुके हैं कि जनाब गैसेस मस्ट बी नॉन रिएक्टिंग। अगर नॉन रिएक्टिंग नहीं है तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, इन दोनों का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर तो नहीं आएगा बल्कि एक नए कंपाउंड का, एक नए मॉलिक्यूल का बिहेवियर और प्रेशर मेरे सामने आना शुरू हो जाएगा। अब सारी चीजें डिस्कस करने के बाद जरा प्रूफ भी देख लेते हैं कि जनाब ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या डेल्टन्स लॉ एप्लीकेबल है या नहीं है। तो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ा था कि जनाब देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, और इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो इसका मतलब दे मूव हैपहैज़र्ड मोशन, दे मेक हैपहैज़र्ड मोशन, इधर से उधर मूव कर रहे होंगे, जब इधर से उधर मूव कर रहे होंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मौजूद नहीं है तो रिएक्टिंग भी नहीं होंगे, रिएक्टिंग नहीं है तो एक दूसरे से टकराएंगे बिकॉज ऑफ देयर वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। होगा क्या, जब एक दूसरे से टकराएंगे विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की दीवारों से टकराएंगे, अपना अपना प्रेशर या पार्शियल प्रेशर प्रोड्यूस या एग्जर्ट करेंगे। हेंस टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस मिक्सचर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। इसका मतलब उस कंटेनर में जितनी गैसेस मौजूद हैं वो सब अपना अपना प्रेशर दूसरी गैसेस के ऊपर और वॉल ऑफ द कंटेनर के ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे और इन सब का टोटल प्रेशर बराबर हो जाए, इन सब का पार्शियल प्रेशर का सम बराबर हो जाएगा टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस मिक्सचर। डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का टॉपिक यहां कंप्लीट होता है। वैसे आप लोगों के पास नोट्स हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने प्रॉब्लम को मेंशन कीजिएगा, क्वेश्चन को मेंशन कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।